सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इसकी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट डायरेक्टर का पास जितना आईटीआई कॉलेज का जो तानी हापा में जो जितना स्टाफ है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। ये बहुत बड़ा दुख का बात है। जो मीडिया में आने का मेरा मकसद वही है रिगार्डिंग आईटीआई कॉलेज न्यू सगाली तानी हापा। न्यू सगाली तानी हापा को जो एम्प्लॉयमेंट का बारे में जो हम उसको बोलने आया, क्योंकि 2 साल से एकेडमिक चल रहा है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, स्टाफ दिन बाय दिन, डे बाय डे, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, बिलअप होते जा रहा है। तो हम इसको देखते हुए डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट को हम आरटीआई मारा। तो आरटीआई मारा है, हमको पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है। तो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है तो गवर्नमेंट नॉर्म्स का मुताबिक हमने फर्दर स्टेप के लिए जो कमिश्नर में जाना चाहिए, कमिश्नर में गया, कमिश्नर में गया है तो बोलता है स्टाफ नहीं है। एक स्किल डेवलपमेंट ऑफिस का कमिश्नर का ऑफिस में स्टाफ नहीं है आरटीआई रिसीव करने के लिए, पेपर रिसीव करने के लिए स्टाफ नहीं है, ये तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे मतलब पब्लिक को ऐसे घुमाना, ये और ये है कि देखिए आप उसमें श्री, आप देखिए श्री बापे अंगू प्रिंसिपल, चलो इसको तो हम मान लेता है, श्री तपी तादे डिप्लोमा ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप स्ट्रक्चर और बंद्रीदा तनंग सोनम, ये भी है, और श्री दाजा निम्पू डिप्लोमा आईटी, तेंजिंग अर्जन, श्री जुम्बे एलडीसी, और ये सॉरी तेंजिंग अर्जन का इसका डिजिग्नेशन नहीं बताया, ये इसका यूईडीसी है, ये भी इलीगल है, ये ऑफिस शिफ्टिंग के लिए लिखा हुआ है। और जुम्बे, श्री जुम्बे यूएलडीसी, श्री तिसरिंग बंगदी स्टोर कीपर, और श्री तामिन दोरजी 10 पास ड्राइवर है, और काबोम बगरा पियोन, श्री नंगबिया कुलू पियोन, नाबम अपो कुक, श्री नाबम साहा डिप्लोमा सिविल इंजीनियर एलडीसी कॉम कंप्यूटर ऑपरेटर, श्री चेरा आतुंग पियोन, श्री तनासीमा नाबम पियोन, श्री चरा तनंग पियोन, मिसेस हैप्पी तजो, ये शॉपकीपर स्वीपर। ये है कि ये जो है जो अभी जिसका नाम हमने लिया है, एक भी लीगल अपॉइंटमेंट वाला नहीं है, सब अपना मर्जी से अपॉइंट किया गया है। और ये जो तेंजिंग अर्जन श्री जुम्बे वो बमदिला तवंग कहाँ कहाँ का आईटीआई का स्टाफ को लेके सगाली में, न्यू सगाली तानी हापा में पिलअप करके रखा हुआ है, जो कि यहाँ में नौकरी जो एम्प्लॉय क्रिएशन होना चाहिए था उसको यहाँ में पूरा कहाँ कहाँ से ऑफिस सेटिंग का नाम से लेके आके पूरा लगा के पिलअप करके रखा है, और दूसरा आईटीआई में उसका जगह में न्यू क्रिएशन कर रहा है। तो एज ए स्ट्रॉन्ग सिटीजन ऑफ डेट एरिया, उस एरिया का, वो एरिया का हम एक स्ट्रॉन्ग सिटीजन होने के नाते हम इसको डायरेक्ट अपोज करता है, उसको हम फर्दर स्टेप के लिए लगेगा। और फर्दर स्टेप ये मत सोचो कि अब बच जाएगा। मेरा मांग हुई है कि अब डीएम का न्यूज़ का माध्यम से आज मैं ये बताना चाहूँगा कि आप इसको इलीगल, हम उसको इलीगल में क्यों अपॉइंट किया गया है, डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट को सवाल किया है, तो सुबू तबिन हमको जवाब दिया है ऑफिस शिफ्टिंग के लिए। तो ऑफिस शिफ्टिंग का नाम से गवर्नमेंट नॉर्म्स का मुताबिक जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ऑफिस शिफ्टिंग सिर्फ 1 ईयर्स के लिए होता है। आपका एकेडमिक 2 ईयर्स हो गया, ये तो कोई कोई लोग तो इसका ज्वाइनिंग रिपोर्ट को देखने से तो 4-5 साल से पेमेंट खा रहा है, क्या हो भी ऑफिस शिफ्टिंग है क्या? पब्लिक को ऐसा बुद्धू बनाना, ये सब एक पब्लिक सर्वेंट हो के पब्लिक को आप इतना क्यों बुद्धू बना रहा है?
उसको जहाँ से आया है, ये चाहे तेंजिन अर्जन हो या दाजा निम्पू हो या चाहे कोई भी हो, जहाँ जिस आईटीआई से कॉलेज से आया है वहाँ भेज दीजिए, उसका जगह में यहाँ न्यू क्रिएशन कीजिए। नौकरी को न्यू क्रिएशन करना है, इंटरव्यू होना है, एडवर्टाइजमेंट होना है, सबको पार्टिसिपेट मिलना है, जो मिलेगा, जो जिसका पास क्वालिफिकेशन है वो मिलेगा और जो क्वालिफिकेशन नहीं है वो नहीं मिलेगा। इसलिए फर्दर स्टेप के लिए हमने उसको बहुत बार कोशिश किया कमिश्नर में, लेकिन नहीं हो पाया। और अब मैं थोड़ा पहले बताया कि बोलता है कि स्टाफ नहीं है, एक कमिश्नर का ऑफिस में स्टाफ नहीं है, सुन के तो हमको बहुत हंसी भी लग रहा था सुन के, स्टाफ नहीं है, आईटीआई और आरटीआई रिसीव करने वाला वो नहीं है। देखिए आजकल का ज़माना में आज आदमी लोग बोलता है कि इस जो आरटीआई जो मरता है वो पैसा के लिए मरता है। हम आरटीआई इस पैसा के लिए नहीं मरा है, सीधा सा बात है। ये जो अभी जो आप जो अपना मनमानी कर रहे हैं ना, वो मेरा नेटिव विलेज ऑफ न्यू सगाले तानी हापा का ये हक है, उसका अधिकार को आप छीन रहा है, हम क्यों चुप बैठेगा? आपने जो आईटीआई कॉलेज के लिए, आईटीआई कॉलेज का जो अभी बिल्डिंग है वो भी वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन का बिल्डिंग को आपने यूज कर रहा है, वीकर सेक्शन मतलब बीपीएल का घर है, उसको आप लोग चलो ठीक है, बिल्डिंग को आप लोग आईटीआई ने लिया, किस हिसाब से लिया उसको हमको परख नहीं पड़ता है, तो उसको हम पूछेगा भी नहीं है। यह है कि एज ए लैंड ओनर, इतना लैंड ओनर है, हमने गवर्नमेंट को विदाउट एनी कॉम्पेंसेशन में बुकरंग पंचायत और दादंग पंचायत मिलके आपको 500 हेक्टर मामूली नहीं है, एनी वेदर कॉम्पेंसेशन आपको लैंड डोनेट किया है, क्योंकि सब जानता है जो ब्लेजर्स लुक होता है, जो बस्ती वाला लुक होता है, एग्रीकल्चर का ऊपर डिपेंड करता है। अपना एग्रीकल्चर करने का जगह को आपको इतना मतलब डेवलपमेंट के लिए वो लोग कुर्बानी दिया है, और अपना एग्रीकल्चर का खाने पीने, एग्रीकल्चर करके खाने पीने का जगह को आपको इतना सेक्रीफाइस किया है, उसका मतलब ये था कि हम लोग का एरिया में डेवलपमेंट हो और वहाँ आईटीआई कॉलेज आओ, हमारा बस्ती नेटिव विलेज लोग को, लैंड ओनर्स लोग को कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाए। तो आया तो आया है, आप इतना ये कर रहा है, या मैं अपना मनमानी से वो कर रहा है, अपना मर्जी से ये सब कर रहा है। इसको हॉनरेबल MLA पितिन सगाली कॉन्स्टिट्यूशन श्री नावम तुकी जी से भी मैं दरखास्त करता हूँ, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका वहाँ में कितना मनमानी चल रहा है, उसको जल्द से जल्द रिमूव होना है, SIT होना है, SIC होना है। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि इसकी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट डायरेक्टर के पास जितना आईटीआई कॉलेज का जो तानी हापा में जो जितना स्टाफ है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, ये बहुत बड़ा दुख का बात है। इतना आप केयरलेस कैसे कर सकता है? हमने एम्प्लॉय का जो एडवर्टाइजमेंट का न्यूज़पेपर कटिंग मांगा, उसको आप हमको नहीं दिया, दे तो एडवर्टाइजमेंट को मांगा, उसको आप हमको नहीं दिया, और सिलेक्शन कमिटी ऑफ नेम ऑफ सिलेक्शन कमिटी उसको मांगा, आपने उसको पर्निश नहीं किया, और बोलता है कि आप सर ये सब चीज़ हम मीडिया में आना नहीं चाहता था, इसलिए मुझे आना पड़ा, क्योंकि उसको हम फ्रेंकली लेके उसको हम डिस्कस किया है उसका ऑफिस में डायरेक्टर सर को, हमको इतना तक हमको बोला है कि आपको इतना प्रॉब्लम है तो ITI को ही हटा दो, हम गवर्नमेंट नहीं है, हम गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, मेरा पास वो अधिकार नहीं है जो ITI को हटाने के लिए। आप ITI को हटाना चाहता है तो उसमें अगर आपको मनमानी करने नहीं दे रहा है, हम लोग को ITI या नहीं बिताना है, ले जाओ, लेकिन ITI वहाँ होगा तो मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगा, सिस्टमेटिक से होना है, ये कोनो चाहे नौकरी कोई भी करो उसको हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट नॉर्म्स का मुताबिक सिस्टम से करना है। ये जिसका पास वो है पैसा है, जिसका पास पॉलिटिकल ग्राउंड है, वही सिर्फ नौकरी करना है बोल के तो लिखा नहीं है, इसलिए
जितना भी जो जित एक भी स्टेप प्रिंसिपल को छोड़ के एक भी स्टेप जो लीगल वे में अपॉइंट करने वाला एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, बहुत बड़ा दुख का बात है। इतना तक आप इसका मतलब ये कर रहे हैं कि वहाँ तो कोई सिविलाइज वाला नहीं है, कल को हमको कोई पूछने वाला नहीं होगा, हम कुछ भी करके बुद्धू बना लेगा, ऐसे नहीं होगा। आप पब यू आर वन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, आपको हम पूछने आएगा तो आप हमको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप हमको दंग से जवाब नहीं दे पाता है तो यू कैन रिजाइन, आप इस्तीफा दीजिए। काबिलियत वाला बहुत लड़का लोग है। तो हमको डायरेक्टर सर हमको बोला है इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो भाई हम आप आईटीआई को हटा दो बोला है। आईटीआई हटाने का मेरा अधिकार नहीं है। हम उसको डायरेक्टर सर को भी बोला है कि मेरा पास अधिकार अधिकार नहीं है, लेकिन आईटीआई हटाने का अधिकार मेरा पास नहीं है, लेकिन सवाल करने का अधिकार मेरा है, क्योंकि हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमको परमिट करके रखा हुआ है, ग्रांट करके रखा हुआ है। आप पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स मेरा प्रॉपर्टी है, आई एम बिकॉज आई एम ऑल्सो मी ऑल्सो वन ऑफ द पब्लिक। हम उसको आपको सवाल कर सकता है क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट है, आप हमको क्यों ढंग से जवाब नहीं देगा। और ये क्या बात हुआ कि आप इलीगल अपॉइंट करके रखा है और ऑफिस शिफ्टिंग का बहाना कर रहा है। ऑफिस शिफ्टिंग क्या, दो साल ऑफिस शिफ्टिंग होता है? और कमिश्नर ऑफिस में ये नहीं है, एक स्किल डेवलपमेंट का इतना बड़ा डिपार्टमेंट का एक कमिश्नर ऑफिस में स्टाफ नहीं है, ये क्या मजाक है। और लास्टली वो ये कि कमिश्नर में जाके फिर से हम कोशिश करेगा फर्दर स्टेप के लिए, चाहे इस्ता हो या ना हो, फिर से हम कोशिश करेगा। अब तो हमको जवाब देना पड़ेगा कल को, अभी तो हम सिर्फ डीएमके न्यूज़ में आया है, आके हम ये सब बता रहा हूँ। बाद में लैंड डोनर लोग का साथ, इंक्लूड ऑल द लैंड डोनर्स का साथ एपीएससी में जाएगा और नाचो प्रेस क्लब में जाएगा, हम लोग ग्रुप में ब्रीफिंग करेगा। और आपका मनमानी नहीं चलेगा यहाँ, आप चाहे नौकरी कोई भी किसी को भी आप नौकरी दो, कोई भी करो, लेकिन सिस्टमेटिक से होना है। थैंक यू।